बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो ऑफ दराज शॉपिंग हॉल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों दराज पे सेल लगी हुई थी, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ, तो सोचा कुछ पेंडिंग चीज़ें हैं उनको ऑर्डर कर लिया जाए और फ्री डिलीवरी से फ़ायदा उठाया जाए। तो उन्हीं चीज़ों की आज अनबॉक्सिंग करूँगी मैं इस वीडियो में। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपके साथ मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आई हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है। तो आइए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम खोलते हैं इस पार्सल को। तो ये है हमारे पास ऑफिस ऑर्गेनाइजर और ये 3 स्टेप्स में है, ये आप देख सकते हैं। और इसको आप यूज कर सकते हैं कटलरी के लिए, स्टेशनरी के लिए, और ये वैसे तो उन्होंने वॉशरूम में भी यूज किया हुआ है, टूथब्रशेज वगैरह के लिए, कॉस्मेटिक्स वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हैं अगर आप वो रखना चाहें इसमें। यानी कि ये मल्टीपर्पज है, आपको जहां सेट लगे आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसको आप स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं या किचन में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसको स्लैब पे रख सकते हैं और इसको आप दीवार पे हैंग भी कर सकते हैं। ये देखिए उन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैंगिंग के लिए, काफी अच्छा है। मटेरियल भी इसका ओके है लेकिन ये साइज में थोड़ा छोटा है। जहां से मैंने देखा था तो वहां पे मुझे इस पिक्चर में तो ये काफी अच्छा लगा था और साइज में भी बेहतर लगा था, लेकिन जब ये ऑर्डर आया है तो ये थोड़ा साइज में छोटा है, लेकिन ठीक है, चल जाएगा। तो आइए इसमें मैं आपको कुछ चीजें रख के भी दिखा देती हूँ। इसकी यहाँ पे पैकिंग है, क्लिंग पैकिंग हुई हुई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इससे आपको स्पेस का अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कितना स्पेस है। आइए इसमें कुछ चीजें मैं ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाती हूँ। वैसे तो ये मैंने स्टडी टेबल के लिए मंगवाया था तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसमें चीजें ऐड कर रही हूँ। अगर आप कॉस्मेटिक्स लाइनर वगैरह रखना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, और अगर आप किचन में यूज करना चाहते हैं स्पून वगैरह के लिए तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। स्टेशनरी के हिसाब से तो ये ठीक लग रहा है और देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसको वहां से बाय कर सकते हैं। अब हम ओपन करते हैं अपना नेक्स्ट पार्सल और इसमें मैंने मंगवाया है ये पाउच। इसको भी आप कॉस्मेटिक के लिए भी यूज कर सकते हैं और स्टेशनरी के लिए भी। अगर आप इसमें लाइनर वगैरह, लिपस्टिक वगैरह रखना चाहते हैं और रख के अपने बैग में रखना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको पेन वगैरह यूज करना यूनिवर्सिटी गोइंग है तो आप इसमें पेन वगैरह भी रख सकते हैं। और इसका मटेरियल देख लेते हैं, मटेरियल इसका ठीक है, अच्छा है और ये कस्टमाइज है। इस पर आप अपना नेम भी प्रिंट करवा सकते हैं लेकिन मैंने इस पर अपना नेम प्रिंट नहीं करवाया। वॉशेबल है ये, ये देखिए काफी अच्छा डिजाइन है और ये ब्लैक कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ और इसको करते हैं ओपन, देखते हैं कि इसमें क्या है। जी तो नेक्स्ट है हमारे पास वॉशरूम रैक, ये मेटल का है, क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है और इसके नीचे हैंगिंग स्पेस भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप डिफरेंट चीजें हैंग कर सकते हो और इसमें आप अपना फेस वॉश, शैम्पू, कंडीशनर वगैरह रख सकते हैं। और ये वॉल हैंगिंग के लिए है, वॉल हैंगिंग के लिए उन्होंने ये 7 स्क्रूज भी दिए हुए हैं और ये स्पेस है। और ये स्क्रू की जगह एडहेसिव हुक्स की भी ऑप्शंस थी कि अगर आपके घर टाइल्स लगी हुई हैं और अगर आप इनको नेल्स को यूज नहीं, स्क्रूज को यूज नहीं करना चाहते और उनको यूज करना चाहते तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते थे। काफी मजबूत है ये, आप इसको हैंग करके इजीली अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वॉशरूम में, और अगर आप इसको किचन में यूज करना चाहें तो आप किचन में भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। जी तो ओपन करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट और ये नेक्स्ट मेरे पास है बेकिंग मोल्ड्स, इसको आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। कुछ भी बेक करना चाहें तो डिफरेंट डिजाइन के मोल्ड्स हैं ये, बिस्किट वगैरह बनाना चाहें या कुछ भी बेकिंग करना चाहते हैं आप डिजाइनिंग में तो आप इसको यूज कर सकते हैं।
चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ और करते हैं इसको ओपन जी। तो ये है कॉर्नर रैक वॉशरूम के लिए। यहाँ पे आप इसका काफ़ी अच्छा स्पेस है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका और काफ़ी डिसेंट सा और प्यारा सा है। यहाँ पे शैम्पूज वगैरह के लिए स्पेस है, शैम्पू कंडीशनर व्हाटएवर जो भी आप रखना चाहें, और ये सोप के लिए है, और यहाँ पे आप टूथब्रशेज वगैरह रख सकते हैं। बहुत ही डिसेंट सा और बहुत ही प्यारा है, इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए नेक्स्ट अनबॉक्सिंग करते हैं जी। तो ये हैं टिंकल रेजर्स, आईब्रो रेजर्स भी जिनको कहा जाता है, ये आजकल बहुत इन है, बहुत ज़्यादा मैंने देखे थे तो इसलिए मैंने सोचा चले मैं भी ट्राई करती हूँ, तो मैंने इसलिए इसको ऑर्डर कर दिया। और ये 3 पीस का सेट है स्टेनलेस सेफ्टी कवर्स के साथ। यहाँ बैक साइड पे इसकी पूरी डायरेक्शन दी हुई है, इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि आपने इसको कैसे यूज करना है। आइए एक ओपन करके देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, एवरेज है, लेकिन अगर प्राइस देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी ओके है। अब इसको ट्राई करेंगे तो फिर इसका रिव्यू शेयर करूंगी कि इसका रिजल्ट कैसा रहा। मेड इन चाइना की प्रोडक्ट है और अगर आप इसको बाय करना चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आइए अब ओपन करते हैं अपनी लास्ट प्रोडक्ट जी। तो ये है फोन स्टैंड, तो ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये प्लास्टिक का स्टैंड है, बेस इसकी काफी हैवी है। आइए इसको असेंबल करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो पहले ये बेस में हमारे पास ये पार्ट लगेगा, इसको अच्छी तरह टाइट कर लें। उसके बाद आपने इसको लगाना है और इसको ऐसे असेंबल करेंगे। अब इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे और एंड में इसको यहाँ पे लगाएंगे, इसको यहाँ से ओपन करके। अब इसको यहाँ से टाइट कर दें, यहाँ पे आप अपना फोन लगा सकते हैं वीडियो वगैरह बनाने के लिए। आइए इसमें अब मैं आपको फोन लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है स्क्रू, इसके जरिए आप इसको कोई भी एंगल जहाँ पे आप सेट करना चाहें टाइट कर सकते हैं सेट करके। आप इसको कोई भी वीडियो बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। टेबल स्टैंड और काफी अच्छा होल्ड है इसका, आप इसका एंगल चेंज करना चाहें तो इसको आपने यहाँ से लूज लेके जाना चाहें कैमरे को जाके सेट कर लें। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इसकी प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, इसकी बेस काफ़ी हैवी है जो कि आपके फ़ोन का वेट बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन ये है कि इसकी हाइट अप डाउन नहीं हो सकती, हाइट इसकी इतनी ही रहेगी। हाँ, एंगल्स को आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अगर आप भी इसको ऑर्डर करना चाहती हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, बल्कि इन सब चीज़ों का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को बाय करना चाहें तो आप बाय कर सकेंगे। आई होप कि आपको आज की मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।